बहनों, आज मैं बताने आया हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं अमित भाई हमारे सांसद को आप मिनिस्टर बना देना, स्वाभाविक है। परंतु संबलपुर वालों, मोदी जी ने आपके यहां बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं मेरे ओडिया भाइयों बहनों। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।